दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कैंपस में। दोस्तों, मेरा नाम है रवि चौधरी और ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस जो है लेटर विटगेंस्टीन। ठीक है, तो विटगेंस्टीन पे दो वीडियो दोस्तों मैं डाल चुका हूँ। वो अर्ली विटगेंस्टीन फेज है, उसमें पता लगेगा कि ये पहले क्या दी थी इन्होंने फिलोसफी, तो उनको देख लें। और उससे भी पहले मैं कुछ चार वीडियो फिलोसफी की डाल चुका हूँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो आप उसे देख लें। जो लोग पुराने हैं उन्होंने तो ज़्यादातर ने वो देखी होंगी। तो बात आती है अब लेटर विटगेंस्टीन पे। तो अर्ली विटगेंस्टीन हमने पढ़ा, उसमें क्या दिया इन्होंने, आइडियल लैंग्वेज वाली बात करी है कि पर्पज़ क्या है, आइडियल लैंग्वेज बनाना है, और पिक्चर थ्योरी, करस्पोंडेंस थ्योरी, क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें ये किसने कर गए, जो अर्ली जो इनकी अर्ली विटगेंस्टीन वाली जो फिलोसफी है उसमें। अभी अचानक से क्या होता है कि ये जब इन देकर चले गए थे फिलोसफी अपनी, बहुत दिन बाद अचानक से इनके दिमाग में आइडिया आता है और इनको लगता है पता नहीं क्योंकि यार यो जो फिलोसफी हमने दी है वो तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। इनको खुद ही ये दिमाग में आइडिया आता है। अब बड़े बड़े लोग हैं तो नए नए आइडियाज इनके दिमाग में आते रहते हैं, इनको खुद ही आइडिया आता है। तो ये जाते हैं पहले रसेल के पास में, क्योंकि तो पहले भी जो लॉजिकल एटमिज्म का जो आइडिया था मैंने बताया था, वो भी किसका आइडिया, तो रसेल का ही था, उनका ही था, विटगेंस्टीन का। ये उनके पास जाते हैं कि सर ये जो हम अब तक कर रहे थे ये तो सब बेकार है और हम बिल्कुल गलत तरीके से डील कर रहे। तो वो कहते हैं यार ये क्या बात हो गई, पहले तुमने ये बताया अब आप नई चीज़ ले आए। तो वो इनसे मतलब नहीं मानते इनकी बात, ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो जो लैंग्वेज वाली बात है लॉजिकल एटमिज्म वही सही लग रहा है। ठीक है, तो ये अपनी दोबारा से अलग से दे डालते हैं और उसमें कह देते हैं कि भाई जो पहले कहा था वो सारा कुछ गलत है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और यही इम्पोर्टेंट है, जब कभी हम एग्ज़ाम में कंक्लूजन देते हैं तो यही इसी में देना होता है लेटर विटगेंस्टीन में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन नाम की बुक लिखी थी इन्होंने, उस बुक के अंदर ये थी, जैसे पहली वाली किस में थी, ट्रैक्टेटस में। ठीक है, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफर जिसका पूरा नाम था, जो बुक मैंने आपको बताई थी, बुक आप लिख सकते हो एग्जाम में, लिखना ज़रूरी भी है कि ये अर्ली विटगेंस्टीन में था और ये इसमें था। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में, ये कुछ नई चीज़ देंगे, अब पहले कुछ और कह रहे थे अब कुछ और कहेंगे। मीनिंग यूज थ्योरी पढ़ेंगे, यही है जो इनका जो मेन है ना, वो मीनिंग यूज थ्योरी ही है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे लैंग्वेज गेम थ्योरी और थ्योरी ऑफ फैमिली रिजेंबलेंस, ये दो टॉपिक हैं। हालांकि इनमें आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा नया नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं इनको थोड़ा कराऊंगा अच्छे से। उसका रीज़न ये है कि जब क्वेश्चन बनकर आता है तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन नाम पर बन के आता है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को सब्सक्राइब किया करो चैनलों को, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करो, कमेंट भी किया करो। कुछ आपको लगता है कि सुधार होना चाहिए वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट इन्हीं से कुछ रिव्यूज़ भी मिलते रहते हैं और अच्छा लगता है कमेंट वगैरह देखकर, क्योंकि ये मेहनत जो है कहीं ना कहीं उसी के लिए, और तो ऐसा कुछ नहीं है अलग से। तो अब ये देखते हैं फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, ये क्या था, इनकी बुक थी। ठीक है, इसमें इन्होंने ये अपनी लेटर विटगेंस्टीन वाली बात कही। लैंग्वेज के बारे में ये अब कुछ अलग बताते हैं। पहले तो ये कहते थे कि पहले क्या कहते थे कि जो वर्ड है उसकी एक करस्पोंडिंग पिक्चर है रियलिटी में। अभी ये नया आइडिया ये निकाल कर लाते हैं, यहीं सब समझना डायरेक्ट अच्छे से। ये कहते हैं कि यार लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक, यार लैंग्वेज जो है, हम एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग निकाल रहे हैं, लैंग्वेज स्टैटिक नहीं है। लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज इज डायनेमिक, डायनेमिक है लैंग्वेज, चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, लैंग्वेज इज इवॉल्विंग, इट इज इवॉल्विंग लाइक एन एंशियंट सिटी। ये खुद इन्हीं का स्टेटमेंट है कि एक एंशियंट सिटी जैसे एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन जो शहर होता है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है, इस तरह से लैंग्वेज तो इवॉल्व होती है।
स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। तो जो वर्ड हमने देखा था कि एक वर्ड का एक करस्पोंडिंग पिक्चर होगी रियलिटी में, तो क्या ऐसा कुछ है? ये अब कहते हैं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, एक एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। ठीक है, ये भी तो होता है कि एक वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग जो है एक से ज़्यादा है, चार चार मीनिंग है। तो अगर ऐसे मल्टीपल मीनिंग होंगे तो पिक्चर बनाने में तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। यही ये कहते हैं कि ऐसे तो पिक्चर बनाने में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो जो पिक्चर थ्योरी थी या करस्पोंडिंग थ्योरी थी, उस थ्योरी पर ही इन्होंने पूरे सवाल अपनी पर ही खड़े कर दिए। कुछ और चीज़ें ये कहते हैं, जैसे कुछ नए वर्ड्स आते रहते हैं, कुछ नए वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो करस्पोंडिंग कोई जिनके करस्पोंडिंग रियलिटी में कोई पिक्चर होती ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ऐसे भी वर्ड्स आते रहते हैं। एक चीज़ इन्होंने ये भी कई कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे ये माउस है। अब माउस की अगर बात करें, कोई माउस अगर किसी सेंटेंस में आ गया तो अब उसे क्या देखेंगे? कुछ लोग तो उसको चूहा समझ लेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर का भी तो माउस होता है। ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उनके मीनिंग्स हो सकते हैं, तो उस वजह से क्या है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये वाली बात इन्होंने कही कि भाई लैंग्वेज जो है डायनेमिक है और स्टैटिक नहीं है। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि पहले तो इन्होंने क्या किया है कि जो इनकी जो थ्योरी थी, जो फिलोसफी थी इनकी, कौन सी करस्पोंडेंस थ्योरी या पिक्चर थ्योरी, उसको इन्होंने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। तो अब आप एक बात खुद बताइए, जब ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज डायनेमिक नहीं है, एवॉल्विंग है, तो क्या आइडियल लैंग्वेज बनाना अब ऑब्जेक्टिव रह जाएगा? नहीं रहेगा, अब ये पर्पस रहा ही नहीं है कि आइडियल लैंग्वेज तो फॉर्म हो ही नहीं सकती। यही से शुरुआत करते हैं, दैट आइडियल लैंग्वेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड, वो हो ही नहीं सकता है, ये इन्होंने बात कही। अब इनकी आगे देखते हैं मीनिंग यूज थ्योरी क्या है। ये कहते हैं कि वर्ड है, कोई अगर कोई वर्ड है, वर्ड्स हैव मीनिंग विद रेस्पेक्ट टू देयर यूज और कंटेक्स्ट। वर्ड्स जो होते हैं उनका मीनिंग कहाँ से आता है? वर्ड्स मीनिंग एक्वायर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू देयर यूज। वर्ड्स का, शब्दों का जो मीनिंग होता है वो कहाँ से निकल कर आता है? उसके यूज के बेसिस पर निकल कर आता है कि आप कहाँ उसको यूज कर रहे हो। वर्ड आपने कहाँ किस जगह यूज किया है उसके बेसिस पर उसका मीनिंग निकलेगा। तो जब ये कह रहे हैं कि जब वर्ड के मीनिंग अलग जगह, दो जगह, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड है, एक सेम वर्ड यहाँ तीन जगह इस्तेमाल किया, और जिस सेंटेंस में या जिस पैराग्राफ जहाँ भी वो इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ इसका वर्ड थोड़ा अलग निकल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग, यहाँ पे थोड़ा अलग मीनिंग निकल रहा है, तो क्या जब वेरीफाई करोगे आप तो ये वेरीफाई हो जाएगा, एक सिंपल मीनिंग नहीं होगा? तो अगर हमें फिर भी, क्योंकि भाई ये फिलोसोफर है तो लॉजिकल वेरिफिकेशन तो चाहिए ना, लॉजिक पे ही आएंगे अभी बाद में, पहले तो मान नहीं रहे थे उसको, तो लॉजिकल जो कन्फर्मेशन हमको चाहिए वो कैसे होगा? ये कहते हैं कि जिस कंटेक्स्ट में या जिस संदर्भ में शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी कंटेक्स्ट में हमको उसका आंसर या जवाब या वेरिफिकेशन मांगना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ पर कोई डिबेट या चल रही है, कोई लॉजिक मांगा जा रहा है, कोई आंसर्स मांगे जा रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को मानकर उसी तरह से आंसर लिए जाएं। ठीक है, आएगा ये धीरे समझ में आएगा थोड़ा सा, और अभी ये बताऊंगा आगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो वर्ड्स हैं उनके जो मीनिंग निकलते हैं वो यूज पर डिपेंड कर रहे हैं कि कैसा उनका यूज है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, अभी ये मानो ये अर्थ है, अब इस पे ये लाइंस ड्रॉ हो रखी हैं। ठीक है, तो आप तो ज़्यादातर यूपीएससी के और उसके स्टूडेंट्स हैं तो समझ ही गए होंगे कि यार ये तो लैटिट्यूड वाली बात है और ये लॉन्जिट्यूड है। लेकिन अगर ये पिक्चर किसी को दिखाई जाए, किसी नोवाइस को, कोई ऐसा है जो नहीं जानता उसके बारे में, उसे क्या लगेगा कि ये क्या है? उसके लिए तो ये लाइंस है, और बात भी सही है। अगर कोई पूछे कि क्या ये लाइन है, तो आपके मना थोड़ी कर दोगे, यार लाइन तो है। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है इसका जो यूज है वो कुछ अलग, डिफरेंट कंटेक्स्ट में, किसी और संदर्भ में इस्तेमाल इसको किया गया है। वो किस लिए किया गया है? एक इमेजिनरी लाइन्स हैं,
अर्थ पे, ठीक है, लॉन्जिट्यूड लेटिट्यूड वगैरह। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वर्ड्स एक्वायर मीनिंग अकॉर्डिंग टू देयर यूज, जो यूज पे डिपेंड करेगा, और अगर आप भी बात कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।